हाँ तो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है सब फिर से बढ़िया हो गए। आज तुम्हारा भाई फिर एक और नई दारू लेकर आया है, हॉक्सटन। द हॉक्सटन नोबल रिज़र्व लिखा हुआ है इसके ऊपर, आप देख सकते हो, हॉक्सटन नोबल रिज़र्व विस्की, जिसकी कीमत है 125 रुपये दिल्ली के अंदर, 125 रुपये, आप देख सकते हो 125 रुपये। और ये बनती है मोदी नगर में, मोदी नगर गाज़ियाबाद, मोदी डिस्टिलरी यानी मोदी इंडस्ट्रीज़ की है ये दारू। चलो देखते हैं भाई कैसी है। तो हम पहला पैक लगाते हैं, डालते हैं और आपको बताते हैं। फिर पहले बॉटल देखें कैसी है इसकी, ज़रा देख सकते हैं। सॉरी आपको गंदा व्यू दिख रहा है इस समय, लेकिन रुकिए, निकल जा सिम सिम डब्बा हटा हो यार। वाह, शेप तो भाई साहब रॉकफोर्ड वाली है, पैक की जो शेप है वो तो रॉकफोर्ड वाली है, हॉक्सटन नाम है। खोलते हैं भाई, पी के देखते हैं बोतल का क्या करना। बोतल तो खाली हो जानी है, देते हैं। चीयर्स। रुकिए पहले डाल लूँ मैं पैक, फिर वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि यार वो मेरे हाथ में सिगरेट भी आप देख रहे हो। हाँ तो दोस्तों, डाल लिया है भाई पहला पैक। तो अब पहला पैक पी के आपको बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। पहले विजय भैरव बाबा की और आपको चेयर्स कर दूँ। चीयर्स सर। रुकिए अभी बताता हूँ आपको मैं, पहला सिप लूँ। फीका, बिल्कुल फीका टेस्ट है, बिल्कुल फीका है ही नहीं कोई फ्लेवर, फ्लेवर ही नहीं है, फ्लेवर नहीं है सर, पहले से मैं बिल्कुल फ्लेवर नहीं है, स्मेल भी नहीं है, पानी लग रहा है यार, नकली दारू तो नहीं है कहीं, पता नहीं सर, देखते हैं नशा कैसा होता है, बताता हूँ मैं आपको। पहला सिप लिया, फ्लेवर तो आया नहीं। पहला पैक ख़त्म करता हूँ, पहला पैक ख़त्म करके फिर मैं आपको इसका रिव्यू देता हूँ कि पहले पैक के बाद क्या है हाल। हाँ तो दोस्तों, पहला पैक ख़त्म कर चुका हूँ। पहले पैक का ये है कि हिट नहीं मारती, टेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, हिट नहीं मारती, नशा दे रही है, हल्का दे रही है, हिट नहीं मारती। अब देखता हूँ दूसरे पैक में क्या है हिसाब किताब, पहले ज़्यादा स्मेल देखूँ फिर से इसकी, रॉ स्मेल देखता हूँ, है हल्की सी विस्की वाली, तेज़ है बल्कि स्मेल तो, लेकिन टेस्ट नहीं आ रहा यार वैसा, जो टेस्ट तो आना चाहिए था यार। चलो पहले पैक का तो बेकार रहा रिव्यू, देखते हैं, मतलब टेस्ट वाइज कह रहा हूँ, जो दिमाग में नशा आना चाहिए वो है, वो है हल्का हल्का, जो होना चाहिए फर्स्ट पैक का वो है। चलिए दूसरा पैक ट्राई करते हैं। और दोस्तों शेयर करते रहना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को प्लीज़ यार, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना, शेयर करते रहना अपने दोस्तों यारों को, और महफिल तुम्हारे लोगों की जुड़ती रहे, कमेंट करते रहो, बातें बातें करते रहो, कुछ अपने बारे में बताते रहो, कुछ मेरे बारे में सुनते रहो। टेस्ट वही है, मतलब हल्का, बात पता नहीं फ्लेवर में, पता नहीं फ्लेवर में कौन सा फार्मूला डाला है कि फ्लेवर नहीं आता जवान पे। ना पहले पैक करी भी है कि हल्का हल्की चढ़ती है और टेस्ट नहीं है, आफ्टर स्मेल भी नहीं है, क्या बोलूँ मैं इसको, फिर समझ में नहीं आ रही मेरे को। तो रुको अभी यार, दूसरा पैक पी के फिर बताता हूँ आपको तीसरे पैक की शुरुआत में कि क्या रिव्यू रहा दूसरे पैक को पीने के बाद, कितनी ठा मारी कितनी नहीं मारी, होल्ड कीजिए। हाँ दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डेली दारू व्लॉग्स पे भाई। और भाई अब दो पैक पी चुका हूँ, दो पैक के बाद भी नशा तो है, मैंने आपको बताया, टेस्ट वाइज कुछ नहीं है दारू, टेस्ट के लिए जीरो नंबर, अगर मतलब ये तो वही लग रही है मेरे, नशा कर लो बस, और आप पानी की जगह जो लोग कोक में पीते हैं ना, जिनको टेस्ट का लेना देना नहीं होता दारू के टेस्ट का, कोक में पीते हैं, कोक का फ्लेवर तेज़ हो जाता है, नशा आ जाता है, बस ये उनके लिए ठीक है भाई। और वो भी 125 रुपये फूक के, इससे बढ़िया तो वो 85 रुपये वाला उसी ब्लू या इंपीरियल ब्लू वगैरह पी लें, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेटर रहेगा, अगर सिर्फ नशा ही लेना है तो। नशा वैसा ही है, टेस्ट नहीं है यार, टेस्ट होना चाहिए, टेस्ट ही नहीं है। नो टेस्ट। हाँ लेकिन ये है कि इंपीरियल ब्लू और उसी ब्लू पी हो गए, टेस्ट तो बेकार आता है उसमें, मतलब आता ही नहीं एक तरह से, और भाई साहब आफ्टर स्मेल बहुत गंदी है उसकी, इसमें आफ्टर स्मेल भी नहीं है, मैं सभी बताऊँ, टेस्ट भी नहीं है, आफ्टर स्मेल भी नहीं है, मैं क्या रेकमेंड करूँ इसको। नहीं भाई, 10 में से 5 नंबर बस, ज़्यादा नहीं, 10 में से 5 नंबर, नॉट रिकमेंडेड। अगर 125 रुपये खर्च करो, बहुत सारी दारू और मैंने दिखाई हैं आपको मेरे चैनल पर, उनको ज़रूर ट्राई कर लेना, मेरी वीडियोस देख लेना, पता चल जाएगा आपको कि कौन सी ज़्यादा अच्छी है, ये मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, सॉरी। 125 रुपये खर्च के नो, बाय बाय, टेक केयर, सब मिलते रहो, और डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, बी सेफ और ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, हमेशा बोलता हूँ, नशा एक चीज़ है जो मज़े लेने के लिए है सिर्फ, आप प्लीज़ इसको आदत ना बनाएं,
और इतनी ज़्यादा भी ना करें कि आप खुद ही आउट हो जाएं। प्लीज़ थैंक यू, सबको बाय, टेक केयर।